मोहतरम जगत गुरु शंकराचार्य जी से गुजारिश है कि वो अपने तासुरात पेश करें। इस महान कार्यक्रम के आयोजक गण, आगंतुक अतिथि गण एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान की जब कृपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का अवसर मिलता है। मुसलमानों के बीच में लगातार कई वर्षों से हम जा रहे हैं और भारतवर्ष में एक नई प्रथा का प्रारंभ किया मैंने कि जब जगत गुरु शंकराचार्य भी मुसलमानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इस्लाम की सच्चाई को जान करके इस्लाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे। जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। जिस इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया, इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़ करके हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा। कुरान को हमने गहराइयों में जा करके तो नहीं अनुभव किया, लेकिन कुरान के मानने वालों के हृदय की गहराइयों में जाके देखा कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है, इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है, वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं। क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुंच है, हमने वेदों को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, शास्त्रों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा, उसके बाद में मुसलमानों के बीच में जाना शुरू किया। हमने मुसलमानों से हाथ मिलाया तो हमारा विरोध किया गया। ये अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं, शंकराचार्य कैसे हैं? अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, वो पांच बार इबादत कर लेते हैं खुदा की, तुम घास खाते हो और एक बार भी इबादत नहीं करते हो, तो तुमसे बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है? तुम अपने अधर्म को देखो। किसी के पवित्रता के सिद्धांतों का विरोध करना पहला अधर्म है। आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुंचाएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में। कहने का तात्पर्य सिर्फ एक है कि मैंने यह अनुभव किया है कि ये मैं एक बात जो मैंने देखा है, आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है, लोग पूछते हैं कि आप मुसलमानों में क्यों जाते हो, आप तो शंकराचार्य जो। हमने कहा कि भाई मुसलमानों से पूछो कि हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, वो हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे।
कहा फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या? हमने कहा कि हम तो तुम्हारी बीच में पैदा हुए और तुम मुसलमानों से प्रेम नहीं करते इसलिए हम तुमसे प्रेम नहीं करते। मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूं, कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आम हिंदू सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है इस्लाम क्या है और सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म धर्म है और शायद जो संस्कृत का सनातन शब्द है अगर किसी भाषा में उसको इस्लाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम और सनातन में कोई भेद नहीं है क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा सबका है, यह संदेश ऋषियों मुनियों ने दिया और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश स्वयं हमारे मोहम्मद साहब ने इस पैगाम को हमको दिया तो हम भेदभाव क्यों करें। यहां पर भारत का मुसलमान, एक बात बिल्कुल मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपसे, अगर भारत का मुसलमान सो गया तो भारत सो जाएगा, इसलिए भारत को जगाना है तो मुसलमानों को जागते रहना पड़ेगा। भारत जाग जाएगा पूरी दुनिया जाग जाएगी। यह भी मैं जानता हूं कि भारत के सच्चे हिंदुओं को जो सच्चे सनातन धर्मी हैं उनको मुसलमानों से प्रेम चाहिए, उनको मुसलमानों से भेद नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा हिंदू है सच्चा हिंदू अपने को कहता है तो पहले तो सनातन धर्म को मानता हो। अगर हिंदू की परिभाषा सनातन धर्म से हट करके कोई परिभाषा है तो ऐसे हिंदू धर्म को मैं तिलांजलि देता हूं, हिंदू धर्म कुछ नहीं है। फिर हिंदू धर्म वही है जो वेद को माने, पुराण को माने और सनातन को माने। सनातन धर्म धर्म है और उस धर्म को न मान के अपनी एक नई व्यवस्था चलाना शुरू कर दे इसका मतलब यह है, और नाम भगवान का ले। एक बात और बता देता हूं, भगवान कोई आदमी की तरह नहीं है कि रोज रोज नियम बदलेगा। रोज रोज नियम बदलना आदमियों का काम है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साहब, मुझे दुख होता है कभी कभी, यद्यपि लोग ये ना समझ बैठे कि मैं उनका विरोधी हूं, विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनको खुद सनातन धर्म की परिभाषा नहीं आती है, विदेश में जाकर के हिंदू धर्म की गलत परिभाषा कर दिए। और हमको सबको ये दुख हुआ कि किस स्कूल में जाके पढ़े हैं, धर्म के बारे में बिना पढ़े हुए धर्म के बारे में बोलना गलत है। पहले धर्म को जान लेना चाहिए फिर धर्म के बारे में बोलोगे तो प्रेम फैलेगा, शांति फैलेगी, इंसानियत सारे चारों तरफ चारों दिशाओं में इंसानियत का प्रकाश होगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर शंकराचार्य लोग सब मिलकर के इस विचार में स्थित हो जाएं कि सनातन धर्म वो धर्म है जो इस्लाम से अलग नहीं, इस्लाम वो धर्म है जो सनातन से अलग नहीं, और जो भेद पैदा होता है या राजनीति में होता है, साम दाम दंड भेद ये राजनीति में है, धर्म में नहीं है। धर्म में है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकमेव द्वितीयं ब्रह्म ला इल्लाह इल्लिल्लाह, ये धर्म कहता है, ये धर्म की बात है। इसलिए हम भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। परमात्मा एक है और परमात्मा बार बार नियम नहीं बदलता कि धरती पर इंसान बदलते जा रहे हैं तो परमात्मा अपना नियम बदलता चला जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, जब से शुरुआत हुई होगी और जब तक ये दुनिया रहेगी ईश्वर का सिद्धांत एक था, एक है, एक ही रहेगा। मानने वाले आपस में भेद पैदा करें तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है, दोष तो उन लोगों का है जो लोग भेद पैदा करके प्रतिष्ठा पहुंचाते हैं। खास करके इतना जान लीजिए, धर्म भेद को मिटाता है और राजनीति भेद को बढ़ाती है। राजनीति का स्तर केवल राष्ट्र की व्यवस्था तक है और धर्म पूरे विश्व के लिए है। राजनीति से केवल आप देश का हित कर सकते हैं, लेकिन अगर विश्व का हित करना चाहते हैं तो धर्म की आवश्यकता है, और वो धर्म कुरान में स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से समझाया गया है, बताया गया है। हमें हिंदी की कुरान भी प्राप्त है, उपलब्ध है, आज अंग्रेजी की भी मिल गई है, और हम तो चाहते हैं कुरान शरीफ सारी दुनिया में
अगर इस ग्रंथ को पहुंचाया जाए और पहुंचाना चाहिए, मैं तो मुसलमानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दें, आपके पड़ोस में जिस भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति रहता हो, जिस भी भाषा को, कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को उसको उसकी भाषा में पहुंचाइए। और मेरी समझ में सारी दुनिया में एक कुरान पहुंचेगा तो सारी दुनिया में शांति होगी, सारी दुनिया में अमन होगा, और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रेमियों के बीच में शंकराचार्य को पहुंचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, संकोच नहीं होगा। आप लोग भी निडर हो जाइए, आप लोग भी संकोच छोड़िए। हम जानते हैं कभी कभी संकोच में, कभी कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं उनकी उल्टी सीधी योजनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं, आए हैं, हम आपको गले से लगा रहे हैं, लगाते हैं, दिल भी मिलाएंगे, गला भी मिलाएंगे, और जरूरत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिर कटाने की जरूरत पड़ जाए तो इस्लाम क्या के लिए शंकराचार्य आपका साथ देगा। क्योंकि शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम धोखा नहीं है, शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम बर्बादी का रास्ता नहीं है। शंकराचार्य को पता है कि जो वेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है, इसलिए हमारा धर्म नहीं छूटेगा, हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा अगर हम मुसलमानों को अपना सगा मानते हैं तो। मुसलमान परमात्मा का बनाया है, आदमी का नहीं। हिंदू जो अपने को कहते हैं वो भी जान लें कि वो परमात्मा के बनाए हैं, तो मुसलमानों से भेदभाव करना बंद कर दें और हमारी तरह सबसे प्रेम करें। डॉक्टर लखनऊ साहब, देखिए मैं अपरिचित था, जानता नहीं था, और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि वो समय निकाले और यहां आए। उनको तो मैं धन्यवाद क्या दूं, मैं तो ये चाहूंगा कि परमात्मा उनको शक्ति दे कि हम लोगों को सबको ऐसे ही सुंदर दिव्य बड़ी सभाओं में संबोधित करते हुए और हम लोगों के ऊपर वो स्वयं कृपा बनाए रखें और हम उनके साथ रहेंगे, जहां भी जोत होगी सदा जीवन में उनका साथ देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जीवन में अब जब भी याद करेंगे, जब तक मेरा शरीर है हम आपकी सभाओं में आते रहेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति। शुक्रिया, और अल्लाह ताला शंकराचार्य जी को हिदायत फरमाए।